हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। ये देखिए, आज मैं आपको बता रही हूँ मेरी टोपियारी जो कि मैंने बनाई थी, लेकिन अब ये बेशेप हो गई है। गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है जेड प्लांट की, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है इसकी। तो ये देखिए मेरी टोपियारी बिल्कुल बेशेप हो गई है, तो अब इसको वापस से शेप में लाना पड़ेगा और कुछ कटिंग्स करनी पड़ेगी इसकी। तो मैं इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ कि आपके घर में भी ये सब हो जाता होगा, आपके गार्डन में, आपके साथ में। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि मैं दोबारा इसको शेप में लाने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बेशेप टोपियारी को शेप में लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टोपियारी जो थी पिकॉक की, तो ये देखिए ये नई नई ग्रोथ इसके अंदर आ गई है। तो अब मैं इनको देखूँगी, तो अब ये जो डालियाँ इसमें निकल रही है, तो मैं इधर पे शेप देने वाली हूँ इसको। तो मैं इनको इस तरह से पहले सेट कर देती हूँ, फिर इसको मैं इस तरह से बांध दूँगी। तो बांधना आपको धागे से है या इस तरह का तार हो तो उससे बांध लें। तो मैं ये तार है मेरे पास एकदम सॉफ्ट वाला, तो मैं इससे ही बांधने वाली हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा, ये बॉडी का शेप आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से लगा दूँगी, तो ये बॉडी का शेप आ जाएगा इसका। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बांध दूँगी। तो ये सब इसमें करना पड़ता है टोपियारी के अंदर, कुछ कुछ दिनों में इसको शेपिंग करनी पड़ती है, नहीं तो फिर ये क्या है, ग्रोथ तो होती है, तो ग्रोथ होने के साथ में हमको इसका शेप भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं इसको, ये देखिए अब थोड़ा सा बॉडी का शेप आने लग गया ना, और जो ये नया फूटा हुआ आएगा तो फिर ये ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर हमको शेप देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टोपियारी में करना पड़ता है। और टोपियारी गर्मी के अंदर जेट प्लांट, खासकर जेट प्लांट की टोपियारी गर्मी के अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। तो इसलिए गर्मी के बाद में, अब जैसे सर्दी के शुरुआत है, तो इसको हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे अब ये डोरमेंसी में जाने वाली है, तो इसमें खाद वगैरह तो देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ, जो शेप इसका बिगड़ गया है उसको तो मेंटेन करना ही पड़ता है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा निकल रही है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी, पहले हम उसका बॉडी का शेप दे देते हैं। अभी मैं काट इसलिए नहीं रही हूँ कि फिर अगर काट देंगे तो ये बेशेप हो जाएगी, इसकी जो पत्तियाँ हैं डाली डाली दिखेगी, पत्तियाँ नहीं दिखेगी, इसलिए मैं इसको काट रही नहीं हूँ और इसको सिर्फ मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। जैसे ये डालियाँ निकल रही है ना, तो अब मैं इसको भी इस तरफ से अंदर की तरफ दबा दूँगी। अगर आपको लगता है कि ये दबा नहीं की नहीं है तो काट दें, तो काट भी सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा घना बनाना है इसको, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से मोड़ देती हूँ। तो थोड़े दिन में इतनी इजी इसकी डाली का मूवमेंट होता है कि ये अपने आप से बस सेट हो जाती है, और जैसे मोड़ोगे ना ऐसे मुड़ जाती है। तो मैं भी इसको इसीलिए शेप देती हूँ। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और इसके अंदर कोई भी खाद वाद देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको धूप चाहिए और धूप वाली जगह पर आप इसको रख सकते हैं। अब ये इसका पूंछ वाला पार्ट है, तो ये जो डालियाँ निकली हुई है, तो मैं इसको पीछे की तरफ इस तरह से ट्विस्ट कर दूँगी सबको, ताकि ये एक अलग से पोर्शन लगे, ये बॉडी निकल के यूँ आ जाए और यहाँ से इस तरह से पूरा कवर हो जाए। तो इस तरह से मैं इसको कवर अप कर दूँगी, और ये जो डाली है इसको मैं बीच का ये जो गैप है इसको भरने की कोशिश करूँगी। तो ये आप अपना पौधा देखें और फिर उसमें अंदाज़ा लगाएं कि उसको कहाँ कैसे मोड़ना है डाली को। तो ये पूंछ वाला हिस्सा है मेरा, तो ये मैं सारी डालियाँ नीचे की तरफ झुका करके इसको नीचे बांध दूँगी, फिर इसके एक्स्ट्रा जो भी होंगे वो उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये तार की सहायता से मैं इसको इस तरह से बांध दूँगी।
ये तार जो है मेरा वो इतना सॉफ्ट है कि जहाँ भी मैं इसको ट्विस्ट करती हूँ वहाँ पे हो जाता है। तो इस तार के साथ मुझे काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए अब ये सारी है ना यूँ आ गई है एक साथ में, तो थोड़ा सा शेप आ गया इसमें। और ये जो एक्स्ट्रा डालियाँ निकल रही है उसको भी मैं इस तरह से नीचे ले आऊँगी और उनको भी मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। ये सब आप अपने पौधे की ज़रूरत देख के और उसको फिर उस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो फिर आप उसको और कोई शेप भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पौधा छोटा है तो फिर उसको उस हिसाब से शेप देते हैं। और अगर आपने अभी तक जेट प्लांट नहीं लगाया है तो मेरी मानिए जेट प्लांट को ज़रूर से ग्रो करिए, ये बहुत ही अच्छा पौधा है। आप इसको सिर्फ पिकॉक का ही नहीं, बर्ड्स का ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह का शेप आप लोग दे सकते हैं। तो मैं भी इसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ये टोपियारी मेरी बहुत दिनों से बन रही है तो इसमें बनने में टाइम लगता है, तो ये जल्दी से बनती भी नहीं है और फिर कटिंग करते रहेंगे तो ये घनी भी होती जाएगी। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर दिया, अब ये थोड़ा शेप में लग रही होगी आप लोगों को। अब इसकी मैं ये जो एक्स्ट्रा है नीचे से ये रखेंगे हम जिस जगह पे ना, उस जगह का भी अंदाज़ा लगा के फिर आपको इसको रखना है। और ये जो मैं डालियाँ काटूँगी इसमें से, ये इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं, तो इनको फेंकना नहीं है, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। इसका बस इस तरह से कटिंग लें और इसको मिट्टी के अंदर लगा दें तो ये दूसरा पौधा आपका बन करके तैयार हो जाता है। तो मैं भी जितनी भी कटिंग्स काट रही हूँ उसका सबको मैं उगा दूँगी, फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए अब ये इसका शेप आ गया है। अब हम यहाँ बॉडी पे काम करेंगे। अब हमको कोई सी डाली काटनी है यही बस ध्यान रखना है। तो ये जो बड़ी सारी डाली आ रही है, ये जो बॉडी का पार्ट बिल्कुल अलग से लग रहा है, जैसे ये गैप लग रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस डाली से मैं इसको फील कर दूँ तो ये अलग नहीं लगे और ऐसा लगे कि ये एक में ही है। तो देखो ये डाली इस तरफ से आ रही है तो ऐसे लगा के देखेंगे। अभी थोड़े दिन में ये पूरा कवर अप हो जाएगा तो ये बेशेप नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी। तो अभी तो मैं इस डाली को ऐसे ही रहने देती हूँ। और ये जिसमें एक्स्ट्राज आ रहे हैं, ये जिनको मैं उनको बड़ा नहीं करना है उनको मैं काट दूँगी, वो भी काट दूँगी। और फिर टोपियारी को हम जितना भी काटते हैं जेट प्लांट को खास करके, तो उतना ही इसके अच्छे से ग्रोथ बढ़ती है और ये घना होता जाता है। अब हम इसको यहाँ पर काम करेंगे तो हमको ये जो इसकी गर्दन है बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं करनी है, बहुत ऊपर चली गई है ये। ये देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ऊंची चली गई है तो शायद मुझे इसको कट कर देना चाहिए। चलिए पहले हम यहाँ साइड से कट देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी ज़रूरत कहाँ है कटिंग करने की। तो ये हमारा पिकॉक बन करके तैयार है, ये देखिए इसको। अगर आपका भी जेट प्लांट का पौधा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा और घना हो रहा है तो इस तरह से आप शेप दे सकते हैं उसको, मैंने भी दिया है। और अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखा करें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर बीच में स्किप कर देते हैं तो फिर जो आप लोग का सपोर्ट मिलता है वो मुझे नहीं मिलता है। तो ठीक है, फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में मिलती हूँ मैं इसी तरह के कोई अच्छे टॉपिक लेके। तब तक आप लोग मेरा चैनल देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।